हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और अभी मैं नहा के आ बैठा हूँ और अभी जाके जल्दी स्मूदी पहले बनाऊंगा अपनी, उसके बाद पानी डालने जाऊंगा क्योंकि पहले लाइट नहीं थी तो तब स्मूदी नहीं बना पाया। तो अब जल्दी स्मूदी बनाएंगे और उसके बाद पानी डालने जाना है और उसके बाद आज जिम तो जाऊँगा, बस ज़्यादा सिर्फ कार्डियो करूँगा, प्रॉपर तरीके से जिम नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ है मेरा। तो अभी जल्दी जल्दी मैं अपनी स्मूदी बना लेता हूँ और फिर पानी डालने जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने फ़िलहाल स्टैंड में फ़ोन लगा लिया अपना और अभी आपको पार्सल की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं इसकी। तो ये रहा हमारा अनबॉक्स करने का फर्स्ट, बाकी चाकू लेते हैं तो मैं ये चीज देता हूँ इसको। पैकिंग बहुत इन्होंने तगड़ी की हुई है। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग पहले वीडियो में कर दी थी पर वो मैंने दिखाई नहीं है, तो अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पहले मिल जाएगी, उसके बाद ये वाली वीडियो मिलेगी। तो ये वाला सप्लीमेंट है मेरा, तो अभी इसको खोल लेते हैं, उसको साथ में लेके जाना है। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा न्यू सप्लीमेंट जो मैंने मंगवाया है मसल प्लेस से, और ये है आपका चोको क्रिस्पस फ्लेवर का है, न्यू फ्लेवर आया है ये, और इसके साथ ये एक शेकर है। तो अभी इसको मैं लेके जाऊंगा और बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है और सब जाके बताऊंगा। तो अभी मैं बस जिम के लिए निकलने लग पड़ा हूँ और अपना प्रोटीन शेक डाल लेता हूँ। जिम वैसे ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ कार्डियो करूँगा और हल्के की स्ट्रेचिंग करूँगा, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, अभी हम जिम में पहुँच चुके हैं और जल्दी जाके जो भी हल्का हल्का वर्कआउट करना है और उसके बाद कार्डियो करेंगे और घर पे चले जाएंगे। ये ज़्यादा वर्कआउट नहीं करूँगा मैं तो दर्द होने लग पड़ेगी। यार अपना प्रोटीन शेक सब कुछ साथ में ले जाएंगे क्योंकि बाद में फिर जिम में टाइम लग जाता है, तो जिम में टाइम नहीं, थोड़ी नर्सरी में जाना पड़ता है, पड़ता है ब्रेक, वहाँ पर भी कभी आधा घंटा लग जाता है, एक घंटा लग जाता है। तो जल्दी फ्री रहता तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो उस टाइम मेरी हेल्प कर देता है। अभी हल्का हल्का वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं फिर नर्सरी को या फिर घर पे। अभी फिलहाल जिम पे कोई भी नहीं है, देख सकते हैं आप, अभी शक्ल पता नहीं कैसी आ रही होगी मेरी, ये देखिए। अभी इतना मैं प्रॉपर जिम नहीं कर पाऊँगा, तो अभी वर्कआउट स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी भी कार्डियो कंप्लीट होने वाली है, वर्कआउट ढंग से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कार्डियो कर लूँ। वो भी मेरे कम से कम, ये आपको दिखाता हूँ, ये 12 की मतलब इंक्लाइन 12 की है और 66 पल्स है, 19 मिनट 48 सेकंड हो चुके हैं, अभी 20 मिनट पूरा भागूंगा, 20 मिनट होने वाले हैं। मेरा मेन मोटिव यही है बस, जैसे जैसे करके पसीना निकालना है, बस फ्रेंड्स। अभी मेरी कार्डियो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी मैं सीधा नर्सरी में चल पड़ूंगा। तो देख सकते हैं पूरा आलस्य पसीने से, बहुत पूरे तरीके की सांस फूल रही है क्योंकि 4-5 दिन जिम नहीं आया, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इतने दिन बंदा मेहनत करे और 4-5 दिन में मेहनत करके पानी फिर जाता है पूरी मेहनत से। तो अभी मैं ऊपर जाके अपना बैग उठाता हूँ, सीधा नर्सरी में चल पड़ता हूँ मैं। तो अभी तक फ़िलहाल जिम में कोई भी नहीं पहुँचा है, सिर्फ मैं ही अकेला जिम में, और अभी देख सकते हैं कि पसीना कैसा, पता नहीं मिल रहा होगा आपको, नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा पसीना निकला हुआ है, ये देख के तो धड़कन ऐसे धक 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 बहुत बुरे तरीके की कर रही है। ये अपना प्रोटीन शेक पियेंगे और उसके बाद
सीधा नर्सरी पे चल पड़ेंगे या तो सीधा नर्सरी में जाके प्रोटीन शेक लेंगे आपका। फिर बताऊँगा उसका टेस्ट कैसा है, बताऊँगा उसका टेस्ट कैसा है। अभी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, बहुत बुरी आदत है। सीधा नर्सरी में चल पड़ता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल नर्सरी में पहुँच चुका हूँ और अभी आप देख सकते हैं कितनी गर्मी लग रही है इस टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इतनी रनिंग की है, कम से कम 1800 मीटर रनिंग की पूरी, वो भी चढ़ाई पे 12 इंक्लाइन पे किया था मैंने। तो उस पर रनिंग कर रहा इस टाइम बहुत बुरी आता है। पंखा थोड़ी देर के लिए बंद किया क्योंकि बिना माइक के फिर ये पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। अभी यहाँ पर गर्मी लग रही है फिलहाल। जब मैं थोड़ी देर बाद अपना प्रोटीन शेक पीऊँगा तो तब आपको बताऊँगा कि उसका टेस्ट कैसा है। और हाँ, उसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर वो आप प्रोटीन शेक अगर पियोगे तभी वो अगर आप मंगवाओगे मसल ब्लेस से, तो ये नहीं कि आप जैसे पहले पानी डाल के ये को 5 मिनट के अंदर अंदर उसको पी लें, क्योंकि जो उसमें बीच में चॉकलेट्स डाले हुए ना तो उसका वो नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा उसका। जो चॉकलेट्स हैं बीच में, जैसे चॉकलेट्स बीच में आते तो वो चबाने का मजा आता है उसको, फिर वो चीज़ नहीं आएगी, तो वो गल जाएगा ना। फिर उसको तभी 5 मिनट के अंदर अंदर पी लें। अभी फिलहाल मैं भी बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर बाद पीऊँगा इसको। तो फ्रेंड्स नीचे पापा आ चुके थे तो मैं सीधा भी घर पे आ गया हूँ। घर पे आके इसको अभी पीऊँगा और पी के अभी आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। वैसे टेस्ट इतना मैं खास नहीं बोल सकता, बस जो चॉकलेट अंदर आ रही है ना वो चबाने का मन अच्छा मज़ा आ रहा है। पर इतना पहले के मुकाबले जो भी पहले मैंने जो भी फ्लेवर्स पिए हैं प्रोटीन के, वो ज़्यादा बेटर थे। इसमें मुझे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा लग रहा है। और बाकी अगर आपको चॉकलेट्स के ज़्यादा पसंद है, मीठा थोड़ा सा अगर पसंद करते हो तो आप इसको ले सकते हो, उसके मामले में ठीक है, पर मुझे तो पीना पड़ेगा। नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ज़्यादा देर फ़ोन भी ना से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी कार्डियो वगैरह आए हैं तो हाथ थक रहा है इस टाइम। तो अभी फ़िलहाल मोगरी को नहलाएंगे और उसके बाद खुद नहाना दोबारा से, और उसके बाद देखते हैं कब जाता हूँ नीचे नर्सरी को, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे या फिर नहीं गए तो फिलहाल मोगली को नहला देता हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल नीचे नर्सरी में चल पड़ा हूँ। खाना खुना मैंने खा लिया था, मोगली को नहला दिया था, तो अभी नीचे नर्सरी में चल पड़ा हूँ। थोड़ी देर लेटा हुआ था, अभी 1:30 बज चुके हैं, अभी नीचे चल पड़ते हैं जल्दी। फिलहाल अभी आप मौसम देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, बादल चढ़ा हुआ है, बारिश कभी भी आ सकती है। और निकलने को आया, अभी धूप निकला है, अभी मैं नीचे नर्सरी को निकल पड़ता हूँ और बाइक चला लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं नर्सरी में पहुँच चुका था, पर अभी पापा ने कहीं जाना नहीं है तो फ़िलहाल बाइक का काम करवाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये तो रिकॉर्ड नहीं है फ़िलहाल इसका, और ये शॉकर भी इसके भरवाने वाले हो गए हैं, आवाज़ बहुत कर रही है। तो इस दिन का काम करवाया तो ये शॉकर भरवाने वाले हैं, अभी शॉकर भरवा लेते हैं तो शॉकर चेंज करवाने पड़ेंगे, एक ऐसे ठीक करवाने का फ़ायदा क्या होगा। उस दिन जो भी मैंने उधर ठीक करवाई तो मतलब फिर तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पर करवाने का, तो अभी शॉकर भरवा लेता हूँ जाके, नहीं तो शॉकर अगर ख़राब हो गया तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी मैं उधर चल पड़ता हूँ, उधर जाके ठीक करवाता हूँ, और बाइक भी थोड़ी सी और दिखानी है। ज़्यादा इंजन का काम करवाने वाला हो तो इंजन का काम भी करवाते हैं, अभी सीधा उधर चल पड़ता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी हम फिलहाल एजेंसी में पहुँच चुके हैं, तो अभी बंदे खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद बाइक को दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बाइक में, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम। शॉकर तो भरवाने वाले हैं, ये भी पूछना पड़ेगा कि कहीं इंजन का काम करवाने वाला तो नहीं हो गया, क्योंकि इंजन में भी आवाज़ थोड़ी सी अलग सी आ रही है, तो पहले जैसी आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो भी दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या काम हुआ है, फिर तब आपसे मिलेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स अभी मैं उधर पूछ के आया एजेंसी में, तो शॉकर तो ठीक है वैसे तो, और बाइक का इंजन का काम करवाने वाला हो गया है। बाइक का इंजन का ये कोई बता रहे हैं कोई 11 से 12 हज़ार रुपये लग जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखो कब तक काम करवाने का सोचता हूँ मैं, पैसे पूछ हो जाए तो काम करवाते हैं बाइक का, और उसके बाद 2 दिन तक उधर ही रहेगी बाइक, तो बिना बाइक के बहुत दिक्कत आएगी भाई। तो थोड़े दिन बाद बाइक का काम करवाते हैं जल्दी, क्योंकि बाइक का काम करवाना ज़रूरी है। अगर इंजन में एक बार धुआं आना लग पड़े तो बाइक की कंडीशन नहीं ठीक रहेगी, पहले जैसी बाइक नहीं रहेगी, तो
काम करवाना ज़रूरी है, तो डिस्कस करते हैं घर वालों से, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंच चुका हूं घर पे, और बारिश लगी हुई थी तो भीग गया था पूरा, तो इसलिए अभी बाकी कपड़े सूखने के लिए डाल लूँ। ये देखो बारिश हुई थी, ये देखो मिल रहा होगा अगर आपको, ये बारिश हुई थी इधर, तो उसके कारण ये सब कुछ खोल दिया। अभी फ़िलहाल अब थोड़ी देर बाद डालेंगे, जब मोगली घुमाने लेके जाएंगे तो अभी देख सकते हैं कैसा मौसम बन गया बाहर। ये देखो ये मोगली सोया हुआ है, ये देखो मोगली, देखो मोगली, तो गाइस जाके सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। पिछला ब्लॉग भी आ चुका है तो उसमें भी सपोर्ट करो जाके, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं मोगली को घुमाने लेके चल पड़ा हूँ, और इसको जल्दी घुमा के आ जाता हूँ, फिर सैर करने भी जाना है। अभी एक तो डाली हुई मैंने चप्पलें हैं, तो चप्पलों में थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, तो इसलिए अभी जब सैर करने जाएंगे तब आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये इसका पता नहीं लगता है कब जोर अपना लगाने लपड़े, कब क्या करने लपड़े, इसका पता नहीं लगता है। कोई इसका अगर दुश्मन मिल जाए तो बेकाबू हो जाता है ये। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल मोगली को घुमा के आ चुका हूँ, और अब मैं सैर करने चल पड़ा हूँ, और दोस्त को थोड़ा सा आगे लेने जाना पड़ेगा पैदल, तो उसको लेने चलते हैं पैदल। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कैसा मौसम बना हुआ है, अभी सुहाना मौसम बना हुआ, ठंडा ठंडा। ये क्या बोलूँ आपको, क्या नहीं बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भैया की, बात बार बार बोलूँगा भाई, सपोर्ट करो जाके, क्योंकि वीडियो को एडिट करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी कोई हद नहीं है भाई। तो इसलिए जाके सपोर्ट करो चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल कहीं ग्रो करेगा। तो जो भी बंदे, मतलब जो भी बंदे मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है, और जिनके पास कमेंट करने का भी टाइम नहीं होता तो एटलीस्ट एक लाइक कर दिया करो। एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि हम और अच्छे ब्लॉग बना सकते हैं। तो सपोर्ट कीजिए, तो जो भी लाइक करते हैं सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को शेयर किया करो। तो सब्सक्राइबर थोड़े से गेन करवाओ, 100 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचाओ, ठीक है ना। तो अभी फ्रेंड के पास पहुंचते हैं उसके पास। तो फ्रेंड्स अभी हम सैर करने चल पड़े हैं, और कोर्ट में जाएंगे सीधा, और ये चीज़ बोलना चाहूँगा बार बार कि सपोर्ट करें जाके। और भाई आज तो जिम गया था वैसे मैं, पर कुछ खास जिम नहीं किया, तो मिस कर रहा हूँ वो पहले वाला जिम। देखो कब जाके दर्द थोड़ी ठीक होती है, तो उसके बाद वर्कआउट प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो जब थोड़ा सा शरीर बनने लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो बैक के लिए हो, चाहे वो शोल्डर में हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, तो जब भी प्रोग्रेस होने लगती है तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो भगवान पता नहीं क्या चाहता है, पता नहीं कुछ अच्छा ही चाहता होगा भगवान। ये भाई तो पता नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से जिम आए हैं, जब अब तो ये इनका टाइम ही चेंज हो गया है, है ना, टाइम चेंज हो गया है ना। ये थोड़ा शर्माता है लड़का, तो पता नहीं क्यों हर टाइम टोपी डाल के चला रहता है लड़का, ये पूछना क्यों टोपी डाल के चला रहता है। वैसे पूछना क्यों, कमेंट तो कोई करता नहीं है इसमें जाके, तो कमेंट भी किया करो ना यार, जो 4-5 बंदे जो लाइक करते हैं तो कमेंट भी साथ में कर दिया करो ना। एक ऐसे लाइक का निशान कर दिया उसमें कमेंट में, और शर्म आती है किसी किसी को, ये यार कोई पैसा पूसा नहीं लगता है। एक चीज़ यही बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, एडिटिंग करने में बनने पूरा ये दिमाग ना कपाना पड़ता है तगड़े तरीके का, और कभी कभी तो एक दिन में एडिटिंग पूरी करनी पड़ती है। एक तो नर्सरी में इतना मैं फ्री नहीं होता हूँ कि जो एडिटिंग कर पाऊँ, जब कभी एडिटिंग करने लगूँगा तो कोई ना कोई, जैसे कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा तो उसको देखना पड़ता है, फिर इस चक्कर में एडिटिंग नहीं ज़्यादा होती है, जल्दी नहीं होती एडिटिंग, तो टाइम लग जाता है। अभी फ़ोन भी ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाऊँ क्योंकि दर्द हो रही है इस टाइम, तो सीधा सैर करने चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ़िलहाल घर पे पहुंच चुका हूँ, मोगली को देखो, ये उसकी की आवाज़ के देखो कैसे आ रहा है, ये देख रहा है क्या चीज़ ली है इसने, हैं ये देखो केयर करें, खाने के लिए वासी इसको फाड़ना चाहता है इस लिफाफे के लिए। मोगली मोगली न, न, न,
मजा। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक जुगाड़ रखा है, जैसे अभी जिम में जाता हूँ मैं ना, एक जुगाड़ रखा हुआ है मैंने कि जैसे बारिश बुरिश लग पड़े तो इसके इसको जैसे ऊपर से ये मसल ग्लेज किया तो इसको यहाँ से बंद कर दिया, हील हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा ये। तो इसके इसकी वजह से मेरा अपना ही कोई फ़ोन भीगेगा, ना ही एयरबड जो भी है तो वो नहीं भीगेंगे ना, तो इसका ये फ़ायदा है जिम में जाता हूँ ना, क्योंकि रेनकोट भी डालूंगा तब भी जिम का बैग गीला हो सकता है, तो इसका बहुत बेनिफिट है। तो इस चीज़ का ले जाने का मुझे कि फ़ोन नहीं ख़राब होना चाहिए, यही है सारा है। फ़ोन ख़राब हो गया तो इतने अभी फ़िलहाल पैसे भी नहीं है कि एक नया फ़ोन लूँ, तो इसलिए ये जुगाड़ करना ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसा जुगाड़ करना चाहते तो कोई भी ऐसी मसल ग्लेज की चीज़ मंगवा ली और जुगाड़ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं हाथ पैर धो लेता हूँ, अभी मैं सैर करके आ चुका हूँ, क्योंकि नहाऊँगा नहीं, क्योंकि नहाने की वजह से दर्द ना ज़्यादा पड़ने लग पड़े, क्योंकि शाम को नहाऊँगा फिर एसी में सोना है, उसकी वजह से दर्द पड़ सकती है। तो अभी पैर धो लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मैं खाना खाने लग पड़ा हूँ, और खाने में बनाया है भिंडी है, और साथ में चपाती है, और साथ में मूंग की दाल है। तो खाने लग पड़ा हूँ, तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आप ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी बताना, और कुछ कमी पेशी लग रही है तो तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें मुझे पता लगेगा कि क्या कमी है वीडियो में मेरी, में क्या चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या नहीं गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जाके, और वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइबर थोड़े से गेन करवा दो जिससे कि 100 तक सब्सक्राइबर हो जाए मेरे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। Love you all and take care.